पहुंच चुका हूं मैं इंदौर। जैसा सुना था वैसा स्वच्छ भी है और सुंदर भी है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ कमियां भी है। वही तो देखने आया हूँ। स्वस्थ शरीर निरोगी काया, लेकिन ये क्या हुआ? इंदौर के 56 में या इंदौर की स्वाद के शौकीनों ने सेहत का ही कबाड़ा कर डाला। कहा जाता है कि जंक फूड कहीं डंक ना मारे, लेकिन ये रावण जी हैं कि मानने को तैयार नहीं। रावण जी, ये तो जंक फूड खा रहे हैं आप, सेहत को भी नुकसान देगा और आपके शरीर को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। यही तो संदेश देने आया हूँ कि मैंने जैसे साधना से बल और बुद्धि का वैभव प्राप्त किया, अमरत्व का वरदान प्राप्त किया, लेकिन मुझ में भी कुछ कमियाँ थी जो मैंने नज़रअंदाज करी और उसका परिणाम मेरा विनाश हो गया। आज भी युवा इन्हीं कमियों को जो है वो नज़रअंदाज कर रहा है। जंक फूड अंदर से शरीर को खोखला बना दे रहा है। शुद्ध और सात्विक खाना अगर युवा खाएगा तो उसका हमेशा उन्नति ही होगी उसकी, लेकिन अगर ये जंक फूड खाया तो मैं यमराज जी को बोल कर जल्दी ही उनको बुलावा भिजवाऊँगा। और अंदर से उन्हें खोखला तो कर ही रहा है ये जंक फूड, और साथ ही साथ उनकी उम्र भी घटती जा रही है। तो अगर दशहरे पे मारना है तो इस जंक फूड रूपी रावण को मारिए और प्रण लीजिए सात्विक भोजन का। ये जंक फूड के डंक से बचना है तो रावण जी की इस बात को पाठ की तरह अपने जीवन में आत्मसात करना है। रावण के साथ इंदौर का ये सफर जारी रहेगा। तब तक के लिए विजयादशमी की आप तमाम दर्शकों को शुभकामनाएं, शुभ दशहरा। Ha 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 ha!